मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इंटरनेट। इंटरनेट हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है और इसके बारे में सी जानकारी हम लोग को भी है। अभी हम इससे बारे में आप ब्रीफली समझ लेते हैं कि इंटरनेट होता है, व्हाट इज द इंटरनेट। इंटरनेट इज अ कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट कंप्यूटर्स टुगेदर, नंबर ऑफ कंप्यूटर्स, फाइनाइट कंप्यूटर्स आपस में जोड़े जाते हैं एंड दे कम्युनिकेट ईच अदर एंड शेयर देयर इंफॉर्मेशन एंड अटैच वेरियस टाइप्स ऑफ पेरिफेरल डिवाइसेस टू द कंप्यूटर एंड शेयर वेरियस टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, वेरियस टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज एक्सेट्रा टू द ईच अदर। ठीक, तो यहाँ पर जो इंटरनेट है इसका बेसिक जो यूज होता है कम्युनिकेशन के लिए। कम्युनिकेशन कैसे, आप एक कंप्यूटर आपस में जुड़ा हुआ है, एक कंप्यूटर मैंने यहाँ पे बनाया, एक कंप्यूटर यहाँ पे जोड़ा। ठीक, अब ये जोड़ेंगे तो हम किस लिए जोड़ेंगे, सिर्फ सिर्फ इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए या कोई रिसोर्स शेयर करना होगा, ठीक है, या कोई डिवाइस शेयर करनी होगी तभी तो हम आपस में इनको जोड़ेंगे। जैसे कि ह्यूमन बींग्स होते हैं आपस में कम्युनिकेशन करते हैं, कम्युनिकेशन तब पॉसिबल होता है जब कोई दूसरे को जानते होंगे किसी तरह से, किसी न किसी रिलेशन से वो जुड़े जरूर होंगे। ठीक, तभी वो अपने इंफॉर्मेशन को एक दूसरे को शेयर कर पाएंगे। सेम इन हियर, जब भी हम इंटरनेट की बात करते हैं तो इंटरनेट का मतलब होता है कि थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर्स, हजारों कंप्यूटर जब आपस में जोड़े जाते हैं, ठीक, तो वो क्या करते हैं, जोड़े क्यों जाते हैं, जोड़े इसीलिए जाते हैं कि वो कोई ना कोई इंफॉर्मेशन डेटा शेयर करते हैं। ठीक, इसीलिए क्या कहा है, द इंटरनेट इज अ कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट कंप्यूटर्स टू ईच अदर, इनफाइनाइट कंप्यूटर आपस में जोड़े जाते हैं उसी को हम इंटरनेट बोलते हैं। ठीक है, तो सो इंटरनेट के एप्लीकेशन क्या क्या हैं वो हम समझ लेते हैं। एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट, ठीक है, एप्लीकेशन का मतलब होता है बेसिकली व्हाट इज द यूज ऑफ इंटरनेट का, हम यूज कहाँ करते हैं, किन किन सेक्टर्स में इसका यूज हो रहा है, कहाँ कहाँ कौन कौन सर्विसेज इंटरनेट की हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। सर्फिंग एंड सर्चिंग, पहला एप्लीकेशन जो है वो है सर्फिंग एंड सर्चिंग, सर्फिंग एंड सर्चिंग द इंटरनेट। ठीक है, अब क्या है, सर्फिंग का मतलब बेसिकली होता है कि जब आप भी हम कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं, ब्राउज करते हैं इंटरनेट पे और हमारा डेटा यूज होता है मोबाइल डेटा, तो दैट इज द सर्फिंग। कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च कर रहे हैं, इंटरनेट यूज कर रहे हैं, सर्चिंग, ओके, एंड सर्चिंग इंटरनेट, सर्चिंग इन द इंटरनेट, सर्चिंग द इंटरनेट, हाँ, इंटरनेट पर जब सर्च करते हैं तो वो हमारा क्या कहता है, सर्चिंग। ठीक, आफ्टर दैट नेक्स्ट इज ईमेल, ईमेल काफी लोग जानते होंगे, ईमेल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल मींस इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक व्हेन वी सेंड आवर इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन विद द हेल्प ऑफ ईमेल सर्विस ऑफ इंटरनेट, दैट इज द ईमेल। मींस इंटरनेट का यूज करके जब हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक डेटा को एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक सेंड करते हैं, दैट इज ईमेल, दैट इज द यूज ऑफ ईमेल, ईमेल वहाँ पर यूज किया जाता है। ठीक है, सो ईमेल कैसे बनता है, ईमेल की साइट होती है, ईमेल वेबसाइट होती है, वहाँ पर जो जो लोग जिनको ईमेल भेजना होता है, जो भेजने वाले होते हैं दोनों के पास ईमेल एड्रेस होना चाहिए, देन दे कैन सेंड देयर ईमेल्स टू ईच अदर। ओके, सो नेक्स्ट इज चैटिंग, चैटिंग
चैटिंग मीन्स कन्वर्सेशन बिटवीन टू पर्सन्स। जब हम आपस में कन्वर्सेशन करते हैं, मैसेज भेजते हैं एक दूसरे को, एक टेक्स्ट मैसेज हो सकता है, ऑडियो मैसेज हो सकता है, वीडियो मैसेज हो सकता है, तो दैट इज चैटिंग। ठीक है, चैटिंग बेसिकली जो है हम अपने फैमिली में यूज करते हैं, अपने फ्रेंड से चैटिंग करते हैं, और जो ईमेल है वो हम प्रोफेशनली यूज करते हैं। ठीक है, प्रोफेशनली हम ईमेल प्रोफेशनल रूप से ईमेल को सेंड करते हैं। ठीक, जैसे कि पहले लेटर हम लोग भेजते थे जो डाक सेवा होती थी उसके थ्रू ऑफलाइन। ठीक, वो हम पत्र लिख करते हैं और उसके बाद क्या करते थे, उसको पोस्ट ऑफिस में जाते पोस्ट के थ्रू बाई पोस्ट को सेंड होता था। दैट टेकिंग टू मच टाइम, बट द ईमेल टेक्स अ फ्यू सेकंड्स टू रीच देयर। कहीं भी हमको ईमेल भेजना होता है, फ्यू सेकंड्स में हम उसको भेज सकते हैं, विद अ सेकंड। ठीक है, और जो ऑफलाइन ईमेल हम भेजते हैं, दैट टेक टू मच टाइम टू रीच देयर। ओके, नेक्स्ट इज ई-कॉमर्स। ई-कॉमर्स देखिए, ई कॉमर्स आजकल बहुत ही ज़्यादा चलन में है, बहुत ही ज़्यादा यूज किया जा रहा है। ई कॉमर्स मीन्स बाइंग और समथिंग ऑन द इंटरनेट। ठीक है, बाइंग या परचेजिंग। ठीक है, कुछ भी हमको बेचना है, खरीदना है, ठीक, वो हम इंटरनेट के माध्यम से करते हैं, दैट इज ई कॉमर्स। बहुत सारे ईमेल्स हमारी ऑनलाइन कॉमर्स साइट है, ई कॉमर्स साइट है, अमेजॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ठीक है, और ओएलएक्स हो गया, ऐसे बहुत सारे साइट्स हैं, उसके थ्रू हम अपना ऑनलाइन और जो भी गुड्स होते हैं उनको ऑर्डर करते हैं और हमको मिलता है, तो दैट इज द ई कॉमर्स। अब बात करते हैं ई लर्निंग, नेक्स्ट आता है इसका टॉपिक है एप्लीकेशन, वो है ई लर्निंग। ई लर्निंग भी है इंटरनेट के कुछ, विद द हेल्प ऑफ ई लर्निंग वी कैन टीच यू राइट नाउ। आज हम आपको पढ़ा पा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ई लर्निंग। कोई भी टॉपिक आपको सर्च करना है, कोई भी आपको बुक सर्च करनी, कुछ भी आप एनीथिंग यू कैन फाइंड विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। सो ई लर्निंग भी हमारा एक इसका एप्लीकेशन है जहाँ पर हम इसका यूज करते हैं। आफ्टर दैट एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट बहुत ज़्यादा यूज है। अगर हमको एंटरटेनमेंट करना है, देन वी यूज इंटरनेट। सॉन्ग सुनना है, वीडियो देखना है, मूवी देखनी है, एनीथिंग, कोई भी आपको कार्टून का वीडियो देखना है, कुछ भी है, ड्रामा लेकर, एवरीथिंग यू कैन वॉच विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। सो एंटरटेनमेंट के लिए भी हमें इंटरनेट की जरूरत पड़ती है। तो ये हमारे सेक्टर्स हैं जहाँ जहाँ पर हम इंटरनेट का यूज करते हैं, और भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं, ये आपके जो मेन हैं। इसके बाद जो है इंटरनेट में टॉपिक आता है वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर बात करते हैं, वेब ब्राउजर वेब मीन्स एक जाल, ब्राउजर मीन्स वहां पर सर्चिंग, सर्च करना, समथिंग टू फाइंड, वहां पर हमको फाइंड करना है। देन ब्राउजर इज अ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इट इज अ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बाय व्हिच वी कैन सर्च एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वेब ब्राउजर जो है उसकी हेल्प से हम कोई भी इंफॉर्मेशन को सर्च कर सकते हैं। मीन्स ये जो वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर होता है वो हमारी हेल्प करता है किसी भी वेबसाइट तक रीच होने में, मीन्स किसी भी वेबसाइट तक पहुंचने में ये कौन मदद करता है, हमारी वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर एक प्लेटफॉर्म, ठीक, प्लेटफॉर्म है जहाँ पर जैसे कि रेलवे प्लेटफॉर्म होता है। रेलवे प्लेटफॉर्म पर क्या होता है, बहुत सारी ट्रेन जाती हैं, बहुत सारे पैसेंजर्स आते हैं, जाते हैं, निकलते हैं। तो वेब ब्राउजर इज अ प्लेटफॉर्म टू सर्च एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक, और उसके बाद क्या है वेब ब्राउजर, किससे कनेक्टेड होता है,
सर्च इंजन से कनेक्टेड होता है। ठीक, सर्च इंजन क्या करता है, उन इंफॉर्मेशन को सर्च करके हमको कहाँ प्रोवाइड करता है, वेब ब्राउजर से। मीन्स जो भी इंफॉर्मेशन हमारी डिस्प्ले होती है दैट डिस्प्ले ऑन द वेब ब्राउजर। तो वेब ब्राउजर ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर भी हमारे बहुत सारे आते हैं, जैसे कि मोज़िला फायरफॉक्स होता है, ओपेरा हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है, सफारी, और बहुत सारे होते हैं जो आपके वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर होते हैं जिसके थ्रू हम कोई भी इंफॉर्मेशन को सर्च करते हैं विद द हेल्प ऑफ वेब ब्राउजर। ठीक, जो भी वेब पेजेस होते हैं वो हमारे वेब ब्राउजर पे ही शो किए जाते हैं। ठीक, अब बात करते हैं वेब ब्राउजर में होता क्या क्या चीजें हैं। वेब ब्राउजर हमारे टू टाइप्स के होते हैं, ठीक, वेब टेक्स्ट बेस्ड होता है, टेक्स्ट बेस्ड। ऐसे वेब ब्राउजर्स जहां पर हम सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट को शो करा सकते हैं, ठीक, दैट इज द टेक्स्ट बेस्ड वेब ब्राउजर। आपके दैट ग्राफिकल वेब ब्राउजर भी होते हैं जो आजकल बेसिकली यूज हो रहे हैं, वो ग्राफिकल वेब ब्राउजर कराते हैं जहां पर हम कोई भी किसी टाइप की ग्राफिक को शो कर सकेंगे, दैट इज द ग्राफिकल वेब ब्राउजर। नेक्स्ट इज टेक्स्ट, ये टेक्स्ट वाले में सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट होते जाता है। जैसा कि आज से करीब 5-6 साल 10 साल पहले देखे होंगे, जो ब्राउजर्स हमारे मोबाइल्स में होते थे वो इमेज सपोर्ट नहीं करते, तो जहाँ पर इमेज सपोर्ट नहीं करते थे वहाँ पर क्रॉस बन गया जाते, मीन्स दो सॉफ्टवेयर का टेक्स्ट बेस्ड ब्राउजर्स। ठीक, और जो आजकल हमारे एंड्रॉइड फोन्स आ रहे हैं, विंडोज फोन आ रहे हैं, जो भी हैं, तो उनमें हमारा क्या है, ग्राफिकल ब्राउजर थोड़ा होता है, सो दैट इज द टाइप ऑफ ब्राउजर्स। ठीक, अब ब्राउजर में की बात आता है वेबसाइट एंड वेब पेज, वेबसाइट एंड वेब पेज, वेबसाइट और वेब पेज का। वेब ब्राउजर के बाद आता है वेबसाइट, ये बहुत ही कॉमन टर्म्स है जो यूज होते हैं और आपके एग्जाम्स में एक एक मार्क्स में दो दो नंबर में आके पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो वेबसाइट क्या होती है, वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। ठीक, मीन्स जो भी हमारे वेब पेजेस होते हैं उनका कलेक्शन क्या कहलाता है, एक वेबसाइट कहलाता है। ठीक, जो वेबसाइट्स हमारी हैं, जैसे कि एक बुक है, दिस इज अ बुक, ठीक, ये बुक है, इसमें बहुत सारे पेजेस लगे हैं, मान लेते हैं ये क्या है हमारे वेब पेज, सारे वेब पेजेस हैं और ये कंप्लीट बुक क्या कहलाएगी, एक वेबसाइट कहलाएगी। मीन्स द कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस इज कॉल्ड वेबसाइट। अब वेबसाइट क्या होगी, वेबसाइट इज अ पेज, एचटीएमएल पेज, वेबसाइट इज अ एचटीएमएल पेज दैट कंटेन्स वेरियस टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन, लाइक टेक्स्ट हो सकता है, इमेज हो सकती है, ऑडियो हो सकता है, वीडियो हो सकता है, इस तरह से जो भी हमारी इंफॉर्मेशन कंटेन करता है वो हमारा वेब पेज कहलाता है। ठीक, तो वेब पेज ऑलवेज क्रिएटेड इन द एचटीएमएल वेब डिजाइनिंग लैंग्वेज। ठीक है, इसके बाद वेबसाइट वेब जो होती है उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, एक तो होम पेज होता है, वेबसाइट का होम पेज, मीन्स इट इज द मेन पेज, फ्रंट पेज, जैसे कि हमारा घर होता है उसमें एक फ्रंट व्यू होता है। ठीक है, तो फ्रंट व्यू इसी तरह से हमारे जो वेब पेज होते हैं, सॉरी वेबसाइट होती है, उसका एक होम पेज बनाया जाता है। जब भी आप कोई भी चीज ओपन करेंगे, वेबसाइट को ओपन करेंगे, सबसे पहले वही पेज खोल करके आएगा, सो दैट पेज इज नोन एज होम पेज। ठीक, उसके बाद आता है वेब पोर्टल, वेब पोर्टल क्या होता है, वेब पोर्टल इज अ पोर्टल वेयर योर वेबसाइट रिलेटेड डेटा एंड वेबसाइट स्टोर, जहां से हमारा जो भी इंफॉर्मेशन इंटरनेट
इंफॉर्मेशन होती है वो सारे वेब पोर्टल पर स्टोर की जाती है। ठीक, मीन्स इट इज अ सर्वर। टाइप्स ऑफ इंटरनेट कनेक्शन, इंटरनेट टाइप, सॉरी वेबसाइट, इंटरनेट के टाइप्स ऑफ कनेक्शन, हम किससे कितने टाइप से कनेक्शन होते हैं जिसके थ्रू हम इंटरनेट से कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, सिर्फ टू टाइप्स होते हैं इंटरनेट से कनेक्ट होने के, दैट इज एक होता है वायर्ड कनेक्शन, एक होता है वायरलेस कनेक्शन। वायर्ड एंड वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन। ठीक है, अब बात करते हैं वायर्ड। दोस टाइप्स ऑफ कनेक्शंस विच डजंट यूज एनी टाइप ऑफ वायर केबल फॉर कनेक्टिंग इंटरनेट, दैट इज वायरलेस कनेक्शन। वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन मीन्स ऐसे टाइप्स के कनेक्शन जिनमें किसी भी तरह का वायर का यूज नहीं किया जाता है इंटरनेट से जुड़ने के लिए। दो सॉफ्टवेयर दो कनेक्शन नोन एज वायरलेस कनेक्शन, एंड दो टाइप ऑफ वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन इन विच वी यूज एनी टाइप ऑफ वायर। किसी भी इंटरनेट कनेक्शन से जुड़ने के लिए हमको अगर वायर की जरूरत कहीं पड़ रही है तो उसे कहेंगे वायर्ड कनेक्शन, इस तार के माध्यम से। इसको बोलते हैं तार माध्यम और एक बेतार माध्यम। ठीक, तार माध्यम मीन्स वायर्ड मीडियम और बेतार माध्यम वायरलेस मीडियम। मीन्स तार माध्यम में हमको तार यूज करना होता है और वायरलेस मीडियम में वायर यूज नहीं करना होता। जैसे कि हमारा मीडियम आएगा कि वाईफाई होता है, वाईफाई के थ्रू कनेक्ट करते हैं, दैट इज वायरलेस कनेक्शन। ठीक, सेलुलर डेटा, सेलुलर मोबाइल डेटा, तो हमारा मोबाइल का डेटा होगा, हम लोग किसी न किसी ISP कंपनी से जुड़े होंगे। ठीक है, तो वो क्या है हमारा वायरलेस कनेक्शन। ठीक है, वाईमैक्स, वाईमैक्स होता है वो भी आपका वायरलेस कनेक्शन। इसमें आता है आपका ब्रॉडबैंड कनेक्शन, बेसिकली ब्रॉडबैंड जो होता है वो वायर्ड कनेक्शन होता है जो आपके घर तक आपके डिवाइस तक उसका केबल जाता है, केबल के माध्यम से इंटरनेट कनेक्शन आपको प्रोवाइड किया जाता है। सो इट इज मोस्ट फास्टर, जो वायर्ड मीडियम होता है इंटरनेट से जुड़ने का वो बहुत ज़्यादा फास्टर होता है, इससे आप अपने इंटरनेट से जुड़ सकते हैं क्योंकि इसमें जो है आपका डेटा लॉस बहुत कम डायरेक्टली आपके आप तक पहुँचता है और इसमें जो है आपका फ्रीक्वेंसी आपके आपके इंटरनेट की बहुत स्लो हो जाती है, कहीं ना कहीं उसमें डेटा लॉस हो जाता है, इसलिए इसकी स्पीड बहुत स्लो होती है एज कम्पेयर वायर्ड मीडियम। वायर्ड मीडियम में स्पीड ज़्यादा होती है, वायरलेस में कम होती है। ठीक, सो ये बात हो गई हमारे इंटरनेट के टाइप्स ऑफ कनेक्शन जिसके थ्रू हम इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके बाद ईमेल एप्लीकेशन से। ईमेल न्यू सेशन नहीं है, ठीक है, अभी हमने आपको बताया था ईमेल जो है किसी भी पर्सन को इसी तरह का इंफॉर्मेशन सेंड करना चाहते हैं, 90% ऑफ ईमेल। ठीक है, ये बेसिकली जो है हम प्रोफेशनल सेक्टर में यूज करते हैं। ठीक है, जहाँ ऑफिस हो गया, कंपनीज हो गई, इस तरह से कोई भी हमको ऑफिस रिलेटेड डॉक्यूमेंट भेजना है या कोई भी ईमेल भेजनी है, कुछ भी भेजना है, देन इट कैन सेंड हेल्प ऑफ ईमेल। ठीक, अब बात करते हैं ईमेल अकाउंट्स को। ईमेल अकाउंट्स कैसे क्रिएट करते हैं? ईमेल अकाउंट क्रिएट करने का कौन कौन से वेबसाइट्स होती हैं, मीन्स कौन से जो वेबसाइट्स हैं जो हमको ईमेल सर्विस प्रोवाइड करते हैं? एक तो आपका gmail.com है, जीमेल ये मोस्ट पॉपुलर वेबसाइट है जो ऑल ओवर वर्ल्ड आपको ईमेल एड्रेस प्रोवाइड करती है। ईमेल सर्विस विद द हेल्प ऑफ दिस यू कैन क्रिएट योर ईमेल एंड सेंड। ओके, एक जीमेल डॉट कॉम हो गया, इसको बोलते हैं गूगल मेल।
नेक्स्ट हो गया आपका yahoo.com, ये भी आपको इंटरनेट ईमेल सर्विस प्रोवाइड करता है. विद द हेल्प ऑफ दिस यू कैन सेंड ईमेल एंड क्रिएट. नेक्स्ट india.com, india.com भी ईमेल वेबसाइट है, इसके थ्रू भी आप अपने ईमेल क्रिएट कर सकते हैं, आप भेज सकते हैं. नेक्स्ट inbox.com, ठीक है. सो दी ज्यादा और भी बहुत सारे होती हैं, इनके थ्रू आप ईमेल भेज सकते हैं किसी को भी और कोई भी ईमेल क्रिएट कर सकते हैं. ये ईमेल वेबसाइट है. क्या है ये? ईमेल वेबसाइट, ठीक. अब बात करते हैं ईमेल क्रिएट कैसे करते हैं. सबसे पहले आपको इनके वेबसाइट पे जाना है, ठीक. किसी भी वेबसाइट मान लेते हैं, ईमेल पे जाते हैं. यहाँ पर जब जाएंगे तो वहां पर दो ऑप्शन आपको मिलेंगे. एक मिलेगा साइन इन का, साइन इन, एक मिलेगा साइन अप, ठीक. साइन अप का जब ऑप्शन मिलेगा, साइन इन साइन अप का, मीन इन दो ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको चूज करना होगा, ठीक. ये ऑप्शन उनके लिए होता है दोस ऑलरेडी क्रिएटेड देयर ईमेल, ओके. इफ यू गॉट यू हैव नॉट क्रिएटेड योर ईमेल एड्रेस देन यू क्लिक हियर. साइन अप पे आप क्लिक करेंगे देन अ फॉर्म विल अपीयर, एक फॉर्म खुल के आ जाएगा. उसमें आपको जो भी इंफॉर्मेशन आपने मांगी है, जैसे कि आपका नाम, एड्रेस, आपकी एज, आपका ईमेल एड्रेस पूछा जाएगा कि आप किस तरह का ईमेल एड्रेस बनाना चाहते हैं, किस नाम से, मोबाइल नंबर, सकता जो भी आपको वहाँ मांगा जाए वो फॉर्म आप फिल कर दें. फिल करने के बाद उसको सबमिट कर देंगे. सो आपको वहाँ से क्या करना होगा, फिर एक ओटीपी आपके पास आता है. ओटीपी आएगा, ओटीपी आप एंटर कर देंगे, उसको वेरीफाई कर देंगे अकाउंट को, और आपका अकाउंट जो होगा क्रिएट हो चुका होगा. इस तरह से आपका मान लेते हैं ईमेल एड्रेस क्रिएट हो चुका है. हमारा एक ईमेल एड्रेस है क्रिएटिव फॉर्मेट कॉलेज 123@gmail.com, ठीक. ये हमारे स्कूल का ईमेल एड्रेस है. मान लीजिए इस तरह से हमको एक ईमेल एड्रेस मिल चुका है और मैंने पासवर्ड भी वैसे क्रिएट कर लिया होगा, ठीक है. तो पासवर्ड और ईमेल आईडी मिल चुकी है. अब इसके बाद मेरा नेक्स्ट जो प्रोसेस होता है वो साइन इन का होता है. अब साइन इन में आपको क्या करना है, जो भी हमारा ईमेल एड्रेस हमको मिला हुआ है उसके बाद वहाँ पर पासवर्ड डालना है. पासवर्ड डालने के बाद साइन इन कर देते हैं. आप साइन इन जब हो चुका है पूरी तरह से, वहां पर क्या करना है, आपको किसी को भी मेल सेंड कर सकते हैं. वहां पर एक ऑप्शन मिलता है आपको, इधर साइड में ऑप्शन इस तरह से आपको दिखेंगे. वहां पर जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा कंपोज, मीन्स यू कैन कंपोज योर ईमेल विद हेल्प ऑफ कंपोज बटन. कंपोज बटन होगा, उसके ऊपर क्लिक करेंगे. कंपोज क्लिक करते ही एक डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाएगा कंपोज का. उसमें आपसे जो रेसिपिएंट होगा, मीन्स जो रिसीवर होगा ईमेल का, उसका ईमेल एड्रेस आपको डालना होगा, ठीक है. उसका ईमेल एड्रेस को भेजना चाहते हैं तो इसका आपके पास ईमेल एड्रेस होना चाहिए पहले से, तभी आप उसको ईमेल भेज पाएंगे, ठीक. तो आपको वहाँ पर रेसिपिएंट का ईमेल एड्रेस डाल देंगे, अपना जो भी उसका टॉपिक होगा, मीन्स सब्जेक्ट होगा आपके ईमेल का, सब्जेक्ट फिल करेंगे, ठीक है. सब्जेक्ट में जो भी देख आप जिसके रिगार्डिंग आप अपना मेल सेंड कर रहे हैं, और उसके बाद अपन टाइप योर टेक्स्ट इन द मैसेज बॉक्स. मैसेज बॉक्स में टाइप टेक्स्ट, कोई भी टेक्स्ट को टाइप कर सकते हैं. एंड यू कैन अटैच वेरियस टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स लाइक इमेजेस, वीडियोस, ऑडियोस एंड वेरियस टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स लाइक PDF एंड डॉक फाइल, एक्सेल फाइल, एक्सेट्रा. बहुत सारी जो भी हमारा इंफॉर्मेशन रिटर्न है यू कैन अटैच विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट के बाद आते हैं सोशल मीडिया. सोशल मीडिया
the website by which you can connect to socially to the people. People से हम socially connect हो सकते हैं. Social media sites बहुत सारी होती हैं. Twitter हो गया आपका, Facebook हो गया, ठीक है, Gmail हो गया, Yahoo हो गया, ये भी हमारे social networking sites हैं. उसके थ्रू आप अपने फ्रेंड से, अपने फैमिली से जुड़ सकते हैं. ओके, नेक्स्ट जो है इसमें आपका आता है डिजिटल इंडिया. डिजिटल इंडिया में आपका एवरीथिंग दैट इज डिजिटलाइज, हमारी गवर्नमेंट हो गया, गवर्नमेंट सेक्टर हो गया, ठीक है, आपका बहुत सारी गवर्नमेंट वेबसाइट्स हैं, उनके थ्रू आप अपने जो भी इंफॉर्मेशन हैं, जो भी फॉर्म्स हैं वो फिल करते हैं, जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स लागू करती है वो सारी आप डिजिटली सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं. तो इस चैप्टर में आपका ये चैप्टर खत्म हो चुका है. अगला चैप्टर जो होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.